हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू द सेशन आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड अवर कंसेप्ट फोर टूडे इज हैज़ एंड हैव हैज एंड हैव आर यूज टू शो पोजिशंस विच मीन्स द थिंग और सम थिंग विच बिलोंग्स टू यू और टू समन अगर कोई चीज़ आपकी है या किसी और की है जो किसी को बिलोंग करती है जब हम उसके बारे में कुछ बताते हैं तब हम हैस या हैफ का यूज करते हैं लेट अस अंडरस्टैंड द यूजेस ऑफ हैज फर्स्ट हैज आर यूज विथ सिंगलर नाउन दैट मीन्स वन नाउन एंड विथ वर्ड्स लाइक ही शी इट लेट अस अंडरस्टैंड दैट हैस इज यूज विथ ही she it and singular noun singular means one anything which we have one in number we use has with that he she it and singular we use has with that now let us understand when we use have we use have विथ प्रूरल जब भी कोई ऑब्जेक्ट प्रूरल फॉर्म में होता है मोर देन वन होते हैं तब हम हैव का यूज करते हैं वी ऑल्सो यूज हैव विथ वी यू दे एंड एज आई टोल्ड यू विथ प्रूरल फॉर्म मोर देन वन एंड ऑल्सो विथ प्रूरल फॉर्म जब भी कोई ऑब्जेक्ट मोर देन वन इन नंबर है तब तो हम हाफ का यूज करेंगे आई के साथ भी हम हैफ का ही यूज करते हैं आई के साथ हम किस का यूज करते हैं सो है यूज विथ आई वी यू दे एंड प्रूरल लेट अंडरस्टैंड द होल कंसेप्ट थ्रू अडियो लेट सी दूस

हैफ का यूज करेंगे बिकॉज दे आर इन सिंगुलर फॉर्म नाउ कम्स अप द प्रल फॉर्म प्रूरल फॉर्म के साथ हम हैफ का यूज करते हैं किसका यूज करते हैं हैफ़ का यूज़ करते हैंफ कोई भी चीज़ जब मोर देन वन इन नंबर होती है तब हैव यूज होगा एंड विथ वर्ड्स लाइक आई यू वी दे यू कैन सी आई हैव यू हैव वी हैव

हैफ का यूज़ करेंगे दिस वॉज द शॉर्ट शॉर्ट कंसेप्ट फॉर द हैज एंड हैफ हैज इज यूज विथ सिंगुलर हैफ इज यूज विथ प्रूरल हैज़ एंड हैफ आई यूज टू शो पोजैशंस पोजैशंस मतलब कोई भी चीज़ अगर मेरी है उसकी है किसी और की है ये सब बताने के लिए हम हैज याफ़ हाँ का यूज़ करते हैं लेटेस्ट अंडरस्टैंड द यूज ऑफ हैज एंड हैफ थ्रू सेंटेंसेज Let's see first सी फर्स्ट द यूज ऑफ हैज़ in सी He has अ न्यू bicycle. उसके पास एक न्यू bicycle है ही हैज न्यू ड्रेस कैट हैज लॉन्ग टेल कैट की लॉन्ग टेल होती है तो कैट एक सिंगुलर है वन इन नंबर है इसलिए हमने कैट के साथ हैज लगाया है द नेक्स्ट सेंटेंस इज teacher टीचर हैज nice ड्रेस मेरी टीचर के पास एक नाइस ड्रेस है उनके पास ड्रेस है ड्रेस उनकी है इसलिए हम हैज का यूज करेंगे और टीचर इज सिंगुलर इन फॉर्म दैट्स वाई वी यूज हैज विथ टीचर द नेक्स्ट इज आरुषि हैज न्यू डॉल आरुषि क्या है सिंगुलर है इसलिए हमने उसके साथ क्या यूज किया हैज यूज किया लेट्स इफ वी हैव आवर स्कूल हैज अग प्ले ग्राउंड हमारे स्कूल में एक बिग प्ले ग्राउंड है नेक्स्ट यूज ऑफ हैव आई हैव अ न्यू कार आई के साथ हम हैव यूज करते हैं यू हैव अव ड्रेस वी हैव अ लॉन्ग ट्रेल काउज हैव टू हॉन्स इन ऑल ऑफ द सेंटेंसेज यू कैन सी आई यू वी आई यू और वी प्रूरल फॉर्म होते हैं इसलिए उनके साथ हमने हैफ का यूज किया है काउस काउस भी मतलब बहुत सारे काउज मोर देन वन काउ इसलिए हमने काउज लिखा है और काउज के पास हॉर्न्स होते हैं दे बिलोंग टू काउज दैट्स व्हाई वी यूज हैव हियर लेट्स सी अनदर सेंटेंसेस दे हैव एन ओल्ड गैरेज इफ यू कैन सी आई टोल्ड यू दे के साथ हम किसका यूज करते हैं हैव का यूज करते हैं द नेक्स्ट सेंटेंस वी हैव बर्ड्स हैव विंग्स बर्ड्स के पास विंग्स होती हैं सिटीज हैव मेनी बिग मॉल्स सिटीज में बहुत सारे बिग मॉल्स होते हैं सिटीज बर्ड्स इन सब के साथ एस लगाया है विच डिनोट्स द प्रूरल फॉर्म इसलिए हमने इनके साथ हैव का यूज़ किया है आई एम श्योर स्टूडेंट्स यू ऑल अंडरस्टूड द कंसेप्ट लेट रीड फ्यू सेंटेंसेज सो दैट यू कैन क्लियरली अंडरस्टैंड दैट आई हैव अ न्यू टॉय मेरे पास एक न्यू टॉय है आई सो आई के साथ हम क्या यूज करें हैफ

मतलब बहुत सारे एनिमल्स की बात हो रही है जानवरों की बात हो रही है इसलिए एनिमल्स हैं इसलिए हमने हैव लगाया है हेयर यू कैन सी ऑल दिस इज प्रूरल फॉर्म ये सारे क्या हैं प्रल फॉर्म है प्रूरल फॉर्म में हम किसका यूज़ करते हैं हैफ़ का यूज़ करते हैं लेट्स सी अनदर विच इज शी हैज़ अ स्टोरी बुक उनके पास एक स्टोरी बुक है शी शी के साथ हम क्या लगाते हैं हैज़ She has long hair. उसके बाल लंबे हैं She शी हैजी के साथ अगेन हम has का यूज करेंगे He has a blue car. उसके पास ब्लू कार है He के साथ भी हम has का यूज करते हैं A table has four legs. एक टेबल की फोर लेग्स होती है यहाँ टेबल लिखा गया है अ टेबल मतलब एक टेबल टेबल है टेबल्स नहीं है अगर टेबल्स होता तो हम हैफ का यूज करते है. टेबल है इसलिए हम हैज का यूज करेंगे नेक्स्ट द माउस हैज़ अ टेल हेयर ऑल्सो माउस माउस इज वन इन नंबर सो वी यूज हैज हेयर हेयर ऑल ऑफ द थिंग्स आर सिंगुलर दे आर सिंगुलर दे आर वन दैट्स वाई वी यूज हैज दे आर मैनी दैट्स वाई वी यूज हैव

ही के साथ हम हैज का यूज करते हैं ही हैज अ अ शी डैश कैट उसके पास एक कैट है शी इज अ गर्ल हेअर सो यू कैन सी द कैट विद हर दिस इज द पोजिशन बिलोंगिंग टू शी शी के साथ हम लगाते हैं यस करेक्ट हैज सो स्टूडेंट्स आई होप यू कैन क्लियरली अंडरस्टैंड द कंसेप्ट दैट्स ऑल फॉर टुडे सेशन